अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। रीजन यहाँ पर देखिए कि ऑप्शन है, यहाँ पे डिस 10 किलो ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, ये भी 10, डिस को यहाँ से निकाल देना है और वहां पे लगा देना है। डिस को क्या करना है, निकालना है, लगा देना, बस इतना ही काम करना है। एक यहाँ हो गया, इसको कर देंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद मेन हमारा ये होता है, जब तक ये सही से चेंज नहीं होगा आईडी, चाहे मॉडल आईडी हो, बोर्ड आईडी हो, या आपके पास विजय आईडी लिखा होगा, अलग अलग नाम से होता है। सभी बोर्ड में क्या होगा, अलग अलग नाम से होगा, चाहे विजय आईडी हो या मॉडल आईडी होगा, बोर्ड आईडी। नंबर तीसरा, अलग अलग आईडी। मेन जो होता है, अगर किसी में विजय आईडी लिखा हुआ तो विजय आईडी को चेंज करेंगे, मॉडल आईडी है तो मॉडल आईडी को चेंज करेंगे, बोर्ड आईडी है तो बोर्ड आईडी को चेंज करेंगे। इसमें ये दोनों हमारे पास ऑप्शन दे रखा है। तो जब तक ये आप चेंज नहीं करोगे, तब तक आपका बोर्ड नॉन जीएफएक्स नहीं बनेगा। जब तक आप इसे चेंज नहीं करेंगे, तब तक बोर्ड नॉन जीएफएक्स नहीं बनेगा, क्योंकि मेन यही होता है, मेन यही होता है। तो इसमें से आपको करना क्या है, यहां देखिए, ये आपका ट्रैक बना हुआ है, ठीक है, उमा है ना बना हुआ, यानी या आपके पास यहां पर देखा कि उमा लिखा हुआ है, डिस लिखा हुआ है, यानी डिस में किसी किसी में आर ए भी लिखा होता है, ठीक है, आर ए भी लिखा होता है, और नॉन जीएफएक्स में आर बी लिखा होता है। क्या लिखा होगा, आरबी, या उमा लिखा हो सकता है, या डिस लिखा हो सकता है, या आरबी और आरए लिखा हो सकता है, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों हो गया आपके पास, ये यानी नॉन जीएफएक्स है, जीएफएक्स है, और आरबी नॉन जीएफएक्स है। तो आपको करना क्या है इस मॉडल में, सिंपल, यानी अब यहां से दो पॉइंट है, सपोज कि ये रजिस्टर लगा हुआ है और इस पे आ रहा है 3.3 वोल्ट, ठीक है, और एक यहीं पर एक और रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो अब यहां से हमें करना क्या होगा, अभी ये है हाई, यानी वन है, इस पे 3.3 आ रहा है, तो ये हाई हो गया ना, ये हाई हो गया। अभी ये उमा का जो पॉइंट है, इस पे रजिस्टर नहीं लगा हुआ है, और ये पॉइंट इसी से अटैच होता है, ये पॉइंट इसी से अटैच होता है, रजिस्टर नहीं लगा हुआ ना सर, बस रजिस्टर नहीं होने के वजह से यहाँ पर ये हाई नहीं होता है। तो इस रजिस्टर को यहाँ से क्या करना है, आपको रिमूव करना है, रिमूव करना है, और इस पे मूव कर देना, यहां से निकाल के यहां डाल देना है बस। रजिस्टर क्योंकि सेम वैल्यू का ही होता है, आपको अलग से खोज के लगाने की जरूरत नहीं होता है। किसी किसी बोर्ड में ऐसा भी हो सकता है, जीएफएक्स के बोर्ड में देखोगे किसी किसी में दोनों लगा ही होता है। तो ऑलरेडी आपको क्या करना है, जब लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस वाले निकाल के फेंक दीजिए, और ये लगा हुआ छोड़ दीजिए, ऑलरेडी नॉन ग्राफिक बन जाएगा, ठीक है। तो पहले छेड़ते नहीं है, पहले क्वाइल को रिमूव करके बोर्ड को ऑन करके देखेंगे, ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादातर डेल के बोर्ड में होता है। किसके बोर्ड में, डेल के बोर्ड। अगर ये आईडी चेंज नहीं करोगे, अगर बोर्ड में डिस्प्ले आ भी गया ना, निकाल दे तो वो बीप करेगा, डिस्प्ले के साथ वो क्या करेगा, बीप करेगा, 7 बीप का एरर मारेगा। कितने बीप का एरर मारेगा, 7 बीप का, क्योंकि वो ग्राफिक को खोज रहा है, बोर्ड नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन में ये ग्राफिक के लिए ही आईडी होता है, जिससे कि सीपीयू को हम बताएंगे, फिर ये आईडी जब चेंज करोगे तो ग्राफिक का जो सिग्नल है वो सीपीयू फिर आउट करने लगेगा, जिससे कि सीपीयू को ये पता चल जाएगा कि बोर्ड में ग्राफिक चिप नहीं है, तो बस वो चिल्लाना फिर बंद कर देगा। जैसे घर पे बच्चा है, अगर घर में नहीं होगा तो वो खोजेगा ना, चिल्लाएगा तो सही, और बच्चे को जब देख लेगा तो वो शांत हो जाएगा। उसी लिए किसको, बच्चे को दिखाना है। तो इस जगह पे आपको क्या करना है, फिर जैसे ही ये रजिस्टर को निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, यानी लो हो जाएगा,
फिर ये क्या हो जाएगा, ये हाई हो जाएगा, यानी ये वन हो, जैसे ही रजिस्टर लगाओगे इसमें वोल्ट आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, यानी नॉन ग्राफिक। बस इतना ही चेंज करने पे नॉन ग्राफिक बन जाता है। अब ये चेंज करने के बाद ये जो है ईसी, ये बायोस के लिए होता है, किसके लिए होता है, बायोस के लिए होता है। तो इसको चेंज नहीं भी करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको चेंज करना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर मेरा अगर कहना मानो तो आईडी जितना भी आपको मिलेगा उसको चेंज, बस दो ही मिलेगा, या एक मिलेगा या दो मिलेगा, बस इतना ही रजिस्टर को आप चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद नॉन ग्राफिक आपका बोर्ड बन गया है, कुछ नहीं बस, और कुछ नहीं छेड़ना है। डिस्प्ले का कनेक्शन हो रखा है तो अदरवाइज ये नॉन ग्राफिक हो गया। अगर नॉन ग्राफिक करने के बाद ही अगर बोर्ड में कई बार होता है कि डिस्प्ले नहीं आता है, क्योंकि ग्राफिक के अकॉर्डिंग बायोस में प्रोग्रामिंग किया होता है, तो बायोस को एक बार रिप्रोग्राम कर देंगे, ठीक है। प्रॉब्लम उस कंडीशन में अगर बोर्ड पे जो पुराने विंडोज लगा हुआ है उसे चलाओगे तो बोर्ड में हैंगिंग का प्रॉब्लम आएगा, उस कंडीशन में विंडो को चेंज कर दो, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। या ड्राइवर को अनइंस्टॉल करके दोबारा ड्राइवर इंस्टॉल कर दो, प्रॉब्लम समझ गए। इसमें बताओ कि क्या है नॉन ग्राफिक बनाना, कोई बड़ी बात लग रहा है? बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें जानना भी चाहिए। एलवीडीएस के कनेक्शन अलग अलग, जैसे बायोस में जब प्रोग्रामिंग होगा तो ऑलरेडी तो इसी बोर्ड का देगा, हाँ प्रोग्रामिंग वो देगा, तो उसमें क्या होगा कि उस समय उससे लिंक अकॉर्डिंग डेटा वर्क कर रहा होगा ना, तो उसको रिप्रोग्राम कर दोगे तो खत्म हो जाएगा। तो इतना करने के बाद आपका नॉन जीएफएक्स बन जाएगा। जहां जहां भी, इसलिए उमा डाले तो आपको 6 पेज दिखाया ना, अब मैं डिस डालता हूं।